डायबिटीज़ के रोगियों को इन 10 चीज़ों को खाने से हो सकता है बड़ा हानिकारक। नमस्ते दोस्तों, मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल हेल्थ बेबी केयर में। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के रोगियों को ऐसी 10 चीज़ें हैं जो कि नहीं खानी चाहिए, इसे खाने से उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई बढ़ जाता है। तो आज हम आपको इसी बारे में सारी जानकारी डिटेल में देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो बने तो सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के समय में जो मधुमेह वाले रोगियों की संख्या है काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे कि दोस्तों जब डायबिटीज नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो किडनी रोग, हृदय रोग जैसी समस्या ज़्यादातर बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में शुगर लेवल को नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो कि रक्त में शुगर का, ग्लूकोज का स्तर जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। खाना खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है, फिर इस ग्लूकोज को हार्मोन्स शरीर के कोशिकाओं में भेजने में मदद करता है ताकि हमारे शरीर को भरपूर ताकत मिल सके। तो आज हम पहले बता देते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या है। बार बार पेशाब लगता है, तेज प्यास लगती है और इसमें भूख ज़्यादा लगता है और हमेशा जो है होंठ सूखा रहता है। कभी वजन बढ़ जाता है तो कभी एकाएक जो है वजन कम हो जाता है। दोस्तों डायबिटीज़ के रोगी वाले व्यक्ति होते हैं, अगर उनका हाथ कट गया या फिर जल गया तो ऐसे में ठीक होने के बजाय जल्दी से जल्दी इनका घाव जो है पक जाता है, इसमें जो है मवाद बन जाता है। तो ये भी एक लक्षण है पहचानने का। तो दोस्तों ऐसे कुछ व्यक्ति का मानना है कि शक्कर या मीठा खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको ऐसी चीज़ों को बताएंगे जो कि खाने से शुगर लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल को नियंत्रण करने के लिए उसे बचने के लिए परहेज जरूर करना चाहिए। दोस्तों पहला है कि ट्रांस फैट यानी कि चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं डायबिटीज़ के रोगियों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों दूसरा है शहद, ये नेचुरल स्वीटनर होता है जो कि हमारे शरीर के रक्त के स्तर को बढ़ा देता है और ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों शहद में सफ़ेद चीनी के बराबर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि डेयरी पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बटर हो गया, आइसक्रीम हो गया, पीनट बटर हो गया, ये सब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों का सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ जाता है। हम आपको अगला बताने जा रहे हैं कि जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उन्हें सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो सफ़ेद चावल होता है इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसमें प्रोटीन फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है जो कि चीनी में परिवर्तन होता है। इसलिए सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड डायबिटीज़ के रोगियों के लिए हानिकारक माना जाता है। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो ब्राउन राइस खाएं और ब्राउन ब्रेड खाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और दोस्तों अगला और लास्ट मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए आलू और शकरकंद का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टार्च तत्व पाया जाता है जो कि हानिकारक बहुत ही होता है, इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों के लिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आप कभी कभी शकरकंद का सेवन करना चाहें तो इसको उबालकर थोड़ी सी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी कुछ खास डायबिटीज़ के रोगियों के लिए कुछ टिप्स थे। अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ किसी अलग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।